So in the previous class, we have discussed about the margins and margin trading. So margin trading is basically trading on borrowed funds. Now today in this lecture, we discuss about the three types of margins which are available in the cash mark segment. Those three margins are value at risk margin, which we call VAR. Then extreme loss margin, and the third one is mark to market margin. So let's start with first one, that is VAR. Previously भी मैंने आपको बताया है कि VAR क्या होता है और ELM क्या होता है, extreme loss क्या होता है, but यहाँ पर हम study करेंगे from margin concept. Value at risk means how much the portfolio can go up or down as per the historical data analysis. It means कि जब भी हम कोई investment कर रहे हैं तो वो investment एक particular time period में कितना fluctuate कर सकती है, वो उसकी value increase भी हो सकती है, decrease भी हो सकती है, पर risk हमको कब है, जब उसकी value decrease हो जाएगी. तो वो एक particular time period में, let's suppose डे, क्योंकि हम मार्जिन की बात कर रहे हैं, मार्जिन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, एंड यूजुअली मार्जिन ट्रेडिंग्स आर इंट्राडे, तो वो विद इन अ डे जो है, एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग द अकाउंट्स आर सेटल्ड. तो जितना भी प्रॉफिट है या लॉस है, वो उतना अमाउंट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है. इफ़ देर इज़ अ प्रॉफिट, देन द अमाउंट इज़ डिपॉजिटेड इन द अकाउंट बाय अदर पार्टी, एंड इफ़ देर इज़ अ लॉस, देन आपके मार्जिन अकाउंट में आपको जितना लॉस हुआ है उतना अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है. तो यूजुअली दिस इज़ डन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज़ अ सिंगल डे. तो एक सिंगल डे में हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कितनी डाउन जा सकती है, कितना रिस्क फेस कर सकती है, सो दैट इज़ द वैल्यू विच इज़ एट रिस्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने 10 लाख रुपीज़ की शेयर्स ख़रीदी हैं एंड हमारी अजम्पशन है, हमारी एंटिसिपेशन है कि अगर कोई लॉस होता है तो ये मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा, लेट सपोज 1 लाख रुपीज़ का लॉस इस इन्वेस्टमेंट पे फेस कर सकते हैं इन वन ट्रेडिंग डे, वन डे में. और इसके लिए जो श्योरिटी है, दैट इज़ 99%. सो 99% द चांसेस आर that if there is a loss, then the loss will be of 1 lakh rupees. तो कितनी value है जो हमारी risk पे है, 1 lakh rupees है जो risk पे है. तो 1 lakh जो है 10 lakh का 10% हो जाता है. तो VAR की value कितनी हो गई, 10%. तो VAR जो है क्या question का answer देता है, that how much is the investment likely to move over next one day. तो कितना ये अप जा सकता है, डाउन जा सकता है, तो दैट इज़ द क्वेश्चन दैट VAR आंसर्स. तो 10% का मतलब है कि 10% ये इंक्रीज़ भी हो सकती है और 10% डिक्रीज़ भी हो सकती है. बट प्रॉब्लम कहाँ राइज़ होती है, जब हमारी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो जाती है, तो उस केस में हमको मार्जिन मनी जो है डिपॉजिट कराना होगा अकाउंट में. तो VAR स्टैटिस्टिक्स कहता है देर आर 3 कॉम्पोनेंट्स इन दिस. द फर्स्ट इज़ द टाइम पीरियड, लाइक आई सेड कि इट कैन बी वन डे. देन कॉन्फिडेंस लेवल, फॉर एग्जाम्पल हेयर आई हैव सेड 99% और इट मे बी 95%. एंड द लॉस अमाउंट, लाइक आई हैव स्पेसिफाइड हेयर कि 1 lakh रुपीज़ का लॉस हो सकता है. सो विद 99% कॉन्फिडेंस द मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू 1 lakh, दैट एन एसेट और पोर्टफोलियो मे लूज ओवर अ डे. तो यहाँ पे आंसर आया कि 10% लूज़ कर सकता है. सो 10% इज़ द VAR, कि हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है कितनी डिक्रीज़ हो जाएगी, वो कहता है कि 10% तक ये जो है डिक्रीज़ हो सकती है. तो ये कैसे कैलकुलेट होता है कि ये 1 lakh ही डिक्रीज़ होगी, सो दैट इज़ डन ऑन सर्टेन हिस्टोरिकल डेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. बट मेजर थिंग इज़ दैट वी हैव टू कैलकुलेट द VAR मार्जिन. हमें VAR नहीं कैलकुलेट करना, हमको कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पे कि VAR मार्जिन कैसे कैलकुलेट होते हैं. तो VAR मार्जिन कैलकुलेट करने का यहाँ पे पूरा प्रोसेस मैंने मेंशन किया हुआ है.
कि वर इज़ कंप्यूटेड यूजिंग एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज मेथडोलॉजी, यानी कि हम यहाँ पे मूविंग एवरेज मेथड यूज़ करते हैं, कौन से वाला, जो वेटेड है और एक्सपोनेंशियल बेस्ड है। सो बेस्ड ऑन यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ये मेथडोलॉजी हम यूज़ करेंगे और वार मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। सो वी रिक्वायर टू मेजर इनपुट्स टू कैलकुलेट द वॉलेटिलिटी फॉर द टाइम पीरियड टी। टी इज़ टूडेज डेट। तो हमको दो चीज़ें, इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक तो चाहिए हमें रिटर्न आर टी, टी इज़ द करंट टाइम पीरियड, एंड वी रिक्वायर वॉलेटिलिटी टी माइनस, मीन्स टी माइनस वन। दैट मीन्स कि हमें वॉलेटिलिटी चाहिए ऑफ अ प्रीवियस डे। सो फॉर प्रीवियस डे द वेट्स असाइंड इज 94% और यू कैन से 0.094, एंड फॉर द रिटर्न द वेट्स आर असाइंड 6% और 0.6। सो हाउ टू कंप्यूट वॉलेटिलिटी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि 26 अगस्त 2020 को हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है और कुछ शेयर्स परचेज किए हैं, तो सबसे पहले हमें रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा, टुडेज रिटर्न। तो टुडे मीन्स 26 के का डे जो है, दैट इज़ द टुडे, दैट इज़ द करंट टाइम पीरियड। तो उसके लिए रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए, आर टी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, वी विल टेक द नेचुरल लॉग ऑफ द क्लोजिंग प्राइस ऑन करंट डेट, जो करंट डे है उस दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या है, डिवाइडेड बाय द क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस डे, यानी एक दिन पहले जो है मार्केट किस प्राइस पे क्लोज हुई है। तो उनके क्लोजिंग प्राइस का रेशियो लेंगे और उनका नेचुरल लॉग लेंगे तो हमारे पास रिटर्न आ जाएगा। तो रिटर्न की वैल्यू है हमारे पास, प्रीवियस डे की वॉलेटिलिटी हमें गिवन होगी, इसके बेस पे जो है हम करंट डे की वॉलेटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट होगी, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दीज आर द स्पेसिफिक्स विच आर गिवन। प्रीवियस डे की वॉलेटिलिटी जो है दैट इज़ 0.031, करंट डे का क्लोजिंग प्राइस है 330 और प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है 360। तो इसके बेस पे हम जो है 330 डिवाइडेड बाय 360 इसका नेचुरल लॉग लेके वैल्यू निकाल लेंगे आर टी की, करंट डेट के रिटर्न की, टूडेज रिटर्न। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.08701। हमें प्रीवियस डे की वॉलेटिलिटी गिवन है तो अब हम करंट डे की वॉलेटिलिटी निकाल सकते हैं। इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, वेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, पुराने डे की, प्रीवियस डे की वॉलेटिलिटी को, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे करंट डे का रिटर्न, जिसको कि मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, इसका वेट 0.6 है, 0.08701 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाती है 0.037 और 3.7%। तो वॉलेटिलिटी हमने निकाल ली है। वॉलेटिलिटी निकल जाने के बाद वार मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने हमारे स्टॉक्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो शेयर्स जो हैं, शेयर्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेगुलैरिटी विद विच देयर शेयर्स आर ट्रेडेड, एंड सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। तो दो बेसिस हैं इनको ग्रुपिंग करने के। पहला है कि कितनी रेगुलरली शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के, और दूसरा है लिक्विडिटी। तो अगर
तो शेयर्स ऐसे हैं जो कि रेगुलरली ट्रेड हो रहे हैं. रेगुलरली ट्रेड होने का मतलब है कि प्रीवियस 6 मंथ्स की जो ट्रेडिंग देखी जाए तो उन प्रीवियस 6 मंथ्स में 80% ऑफ टाइम्स दे आर ट्रेडेड. ठीक है, यानी कि जो ट्रेडिंग डेज हैं 6 मंथ्स के ट्रेडिंग डेज, उसके 80% डेज में उनकी ट्रेडिंग हुई है. एंड इफ़ दे हैव हाई लिक्विडिटी का मतलब है कि उनकी इम्पैक्ट कॉस्ट जो है लेस देन 1% है, तो ऐसे शेयर्स को हम ग्रुप 1 की कैटेगरी में डालते हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय इम्पैक्ट कॉस्ट? इम्पैक्ट कॉस्ट होता है कि जब हम एक लार्ज अमाउंट में बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं तो उससे जो है उस पर्टिकुलर शेयर के या स्क्रिप्ट के प्राइस जो हैं चेंज हो जाते हैं. समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि जब शेयर्स बाय करने शुरू करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स को बाय कर रहे हैं, तो मार्केट में ऐसी र्यूमर शुरू हो जाता है दैट बाय हम जनरली तब करते हैं जब प्राइसेस इंक्रीज होने होते हैं. तो दिस ट्रेंड इज़ फॉलोड कि क्योंकि उस शेयर्स को बहुत लार्ज क्वांटिटी में बाय किया जा रहा है, वो इस टाइप का शेयर है, बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, और जब उसको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से एक्सेस क्वांटिटी में बाय करा जा रहा है तो अदर पीपल ऑल्सो, अदर इन्वेस्टर ऑल्सो स्टार्ट बाइंग द शेयर्स, तो इससे डिमांड उसकी इंक्रीज़ हो जाती है. डिमांड इंक्रीज़ होने से उसके प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं. ऑपोजिट हो जाता है अगर सेलिंग करने लग जाएं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में सेल करें तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी, सप्लाई इंक्रीज़ होने से प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है. तो ऐसे शेयर्स जो कि इन चेंजेस को बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट करते हैं, तो यानी उनकी इम्पैक्ट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, यानी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है उसमें. तो जो शेयर्स जिनकी रेगुलरिटी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है प्लस जिनकी हाई लिक्विडिटी है, सो दे आर केप्ट अंडर द कैटेगरी 1, ग्रुप 1 में होते हैं. जो शेयर्स ट्रेडिंग तो है उनकी बहुत ज़्यादा लेकिन इम्पैक्ट कॉस्ट उनकी 1% से ज़्यादा है, तो ऐसे शेयर्स को हम रखते हैं सेकेंड ग्रुप की कैटेगरी में, और बाकी के जो शेयर्स हैं दे आर क्लासिफाइड अंडर ग्रुप 3. तो जब हम वार मार्जिन कैलकुलेट करेंगे तो हमको देखना है कि हमारा शेयर कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है. इफ़ द शेयर बिलोंग्स टू ग्रुप 1 तो उसका वार मार्जिन रेट क्या होगा? ये दो फिगर्स में से जो भी हाई आएगी, यानी जो भी मैक्सिमम होगी, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज़ द वार मार्जिन रेट. तो पहली फिगर क्या है? 3.5 टाइम्स द वॉलेटिलिटी. अभी देखिए ये वॉलेटिलिटी हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे, तो 3.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.7 से, हमारी फर्स्ट फिगर आ जाएगी एंड दिस कम्स आउट टू बी 13%. एंड देन सेकेंड फिगर वो कहता है कि 7.5%. इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है? 13% मैक्सिमम है. तो ग्रुप 1 को अगर हमारा शेयर बिलोंग करता है तो हमारा वार मार्जिन रेट कितना हो गया? 13%. नाउ इफ़ द शेयर्स बिलोंग टू ग्रुप 2 तो उसमें जो है उसमें कैसे करेंगे? अगेन वी हैव टू टेक द हायर ऑफ दीज टू. हायर ऑफ दीज टू यानी फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.7 जो कि हमारी वॉलेटिलिटी है, हमारी सिक्योरिटी की वॉलेटिलिटी है, ये 13% हो गया. सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई द इंडेक्स, यानी जैसे BSE पे ट्रेड हो रहा है तो सेंसेक्स की क्या वैल्यू है या निफ्टी की क्या वैल्यू है, तो इंडेक्स जो है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, उस डे का जो इंडेक्स होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू निकलेगी. इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू, लेट्स सपोज यही हमारी हायर आ रही है, तो अब इस हायर वैल्यू को यानी 13% को नाउ वी अगेन विल मल्टीप्लाई विद द स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज़ 1.732051. 3 के स्क्वायर रूट से इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे टू ऑब्टेन द वार मार्जिन रेट. तो ये होगा हमारे ग्रुप 2 के जो हमारे शेयर्स हैं उनके लिए वार मार्जिन कैलकुलेट करने का ये तरीका है. ग्रुप 1 के लिए सिंपल ये है. एंड नाउ देर इज़ अनदर कैटेगरी विच इज़ ग्रुप 3. तो ग्रुप 3 में क्या करते हैं दैट वी कैलकुलेट, हम सीधा का सीधा उसको 5 से, हमारी जो वॉलेटिलिटी आई है, वॉलेटिलिटी वॉज 3.7, तो वॉलेटिलिटी को हम
स्ट्रेट अवे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. सिक्योरिटीज वार मार्जिन रेट वुड बी 5 टाइम्स द वॉलेटिलिटी ऑफ द इंडेक्स. इंडेक्स की वॉलेटिलिटी से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे विच इज मल्टीप्लाइड बाय अगेन 1.732051. तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए ये कहता है कि वार मार्जिन रेट वुड बी 5 टाइम्स वॉलेटिलिटी ऑफ द इंडेक्स, यानी कि यहाँ पे हमें जो इंडेक्स की वॉलेटिलिटी है उसकी वैल्यू रखनी है, ना कि शेयर्स की. शेयर्स की वॉलेटिलिटी हम यहाँ नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि शेयर्स तो बहुत कम ट्रेड हो रहे हैं, तो उसकी प्रीवियस डे की वॉलेटिलिटी कितनी है ये सब ईजिली फाइंड आउट नहीं हो पाएगा. सो वी विल यूज़ द इंडेक्स ऑफ द ऑल द शेयर्स. तो ये जो सेंसेक्स है या निफ्टी है इनकी जो वैल्यू है उससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय जो वैल्यू आएगी दिस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज़ 1.732051. तो जो वैल्यू आएगी दैट इज़ दी वार मार्जिन रेट, जो कि एक काफ़ी हाई अमाउंट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. तो यहाँ पर जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल पर हमने देखा है तो वार मार्जिन जो है हमारा आया था 13% आया था. तो 13% का मतलब है कि अगर 10 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है तो इसका 13% हो गया 1,13,000. तो 1,30,000 जो है वार मार्जिन अकाउंट में इन्वेस्टर को सब डिपॉजिट कराना होगा, ओनली देन द ट्रेडिंग विल टेक प्लेस. द सेकेंड टाइप ऑफ मार्जिन इज़ एक्सट्रीम लॉस मार्जिन. एक्सट्रीम लॉस वैल्यू एट रिस्क मार्जिन था कि 10 लाख रुपीज़ पे आज की डेट में हमें कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है. सो दैट वाज 1 लाख रुपीज़. नाउ एक्सट्रीम लॉस मार्जिन मींस दिस इज़ सम एडिशनल रिस्क दैट कैन अराइज बियॉन्ड वार, यानी कि वार वाला रिस्क तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, इससे एक्स्ट्रा भी और कितना लॉस हो सकता है. तो दैट इज़ द एक्सट्रीम लॉस दैट कैन हैपन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे. So let's suppose that on the basis of historical analysis, तो ये assume कर रहे हैं कि ये maximum to maximum 50,000 का और loss हो सकता है इसमें. तो यानी कि total loss कितना हो गया, 1,50,000 का हो गया. ऐसा नहीं है कि only extreme loss margin will be considered, कि 50,000 ही consider होगा. तो total consider होगा, यानी कि पहले वार है वो तो risk पे है ही, उतनी value तो risk पे है ही, in addition to it ये 50,000 का और लॉस हो सकता है. यानी कि 10 लाख का जो वैल्यू है हमारा, अगर इसमें लॉस होगा तो लॉस जो है रिड्यूस होके मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना लॉस हो जाएगा हमको, 1,50,000 का लॉस हो जाएगा. तो अब ये ELM कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे ये 50,000 मैंने बोला है तो यानी कि 5% और आपको रिस्क हो गया. यहाँ पर 10% हो रहा था, 1 लाख रुपीज़ मीन्स कि 10% का है और 50,000 मीन्स कि 5% एक्स्ट्रा रिस्क हो गया. So how this ELM is calculated? तो extreme loss margin जो है हम ये कैसे calculate करते हैं, it is higher of these two values, higher of 1.5 times the standard deviation of daily natural log returns of the stock price in the last 6 months or 5% of the value of position. यानी हमें दो figures निकालनी है, एक तो given है कि 5% लेंगे वैल्यू ऑफ द पोजीशन की, वैल्यू ऑफ द पोजीशन लेट्स सपोज 10 लाख रुपीज़ है, ओके. एंड द सेकेंड इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे किसका निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डेली रिटर्न्स का ओवर द पास्ट 6 मंथ्स, यानी प्रीवियस 6 मंथ्स का हिस्टोरिकल डेटा लेंगे, रिटर्न्स का डेटा लेंगे और उन रिटर्न्स का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे. उस स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को कंपेयर करेंगे 5% से. सो विच एवर इज़ हायर, तो जो भी हाई होगी वो हमारा जो है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन हो जाएगा. इसी एग्जांपल में देखिए, वार हमारा 13% निकला था, इन्होंने अज्यूम किया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है लेट्स सपोज इट कम्स आउट टू बी 3.1%.
तो 1.5 को हम 3.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिगर हो गई 4.65। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है, तो हमारा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन कितना हो गया, 5%। तो 5% 10 लाख का प्लस 13% 10 लाख का, तो ये टोटल कितना हो गया, 1,30,000 प्लस 50,000 दैट इज़ 1,80,000। तो इन्वेस्टर को कितना मार्जिन मनी डिपॉजिट कराना है, 1,80,000। नेक्स्ट इज़ मार्क टू मार्केट मार्जिन। ये मार्जिन जो है इट इज़ कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द डे ऑन ऑल ओपन पोजीशंस बाय कंपेयरिंग ट्रांजैक्शन प्राइस विद द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर फॉर द डे। तो क्या किया जाता है कि जब कोई भी शेयर हमने बाय किया है, जिस भी प्राइस पे बाय किया है, जब ट्रेडिंग डे फिनिश होता है, एंड होता है, तो उस एंडिंग टाइम पे वी सी द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर कि हमारा जो शेयर है ये अब किस प्राइस पे क्लोज हो रहा है, और फिर हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं, हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस को कंपेयर करते हैं क्लोजिंग प्राइस से। सो इफ़ देर इज़ अ प्रॉफिट देर इज़ एन इंक्रीज़, यानी ट्रांजैक्शन प्राइस से अगर क्लोजिंग प्राइस इंक्रीज़ हो गया है तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट हो गया है, और अगर वो डिक्रीज़ हो गया है तो इन्वेस्टर को लॉस हो गया है। बट दैट इज़ अ नोशनल लॉस और नोशनल प्रॉफिट, दैट मीन्स वो पेपर पे ही है। एक्चुअल में लॉस और प्रॉफिट तो हमें तभी पता चलेगा जब वो फाइनली जो हमने शेयर्स बाय किए हैं वो जब हम सेल कर देंगे। तो फिलहाल ये जो भी हो रहा है ये ऑन द पेपर है, लेकिन अगर उसको लॉस है तो वो लॉस अमाउंट उसको डिपॉजिट कराना होगा अपने अकाउंट में, और अगर प्रॉफिट है तो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो प्रॉफिट डिपॉजिट हो जाएगा। सो लेट सपोज कि हमारे इन्वेस्टर ने 1000 शेयर्स परचेज किए हैं और उसका ट्रांजैक्शन प्राइस था 100 रुपीज़, और जब मार्केट क्लोज हुई तो क्लोज होते टाइम इसका प्राइस डिक्रीज होके 75 रुपीज़ हो गया, तो पर शेयर उसको 25 रुपीज़ का लॉस हो गया है, और 1000 शेयर्स पे जो टोटल लॉस हुआ है दैट विल बी 25,000। तो जब क्लोजिंग हो रही है, अकाउंट सेटलमेंट किया जाता है मार्जिन ट्रेडिंग में, एवरी डे द अकाउंट इज सेटल्ड, तो क्योंकि लॉस हो गया है तो 25,000 इन्वेस्टर को अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराने होंगे। सो ओनली 25,000 दैट ही हैज़ टू पे। यहाँ पर एक एग्जांपल से हमने समझाया है कि किस तरह से ट्रेडिंग होती है और किस तरह से डेली ट्रांजेक्शन्स पे प्रॉफिट और लॉस जो है अकॉर्डिंगली एड और सब्ट्रैक्ट होता रहता है। एग्जाम्पल देखिए कि लेट्स अज्यूम दैट देर आर 100 शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड विच आर परचेज्ड एज एट ₹50 ऑन डे वन। तो डे वन पे हमारे इन्वेस्टर ने क्या किया है कि 50 शेयर्स परचेज किए हैं हंड्रेड शेयर्स आर परचेज्ड एट ₹50, ठीक है। और उसके बाद डे वन की मैं सेटलमेंट आपको करके दिखा रही हूँ कि डे वन में कैसे हमारा अकाउंट सेटल होगा, कितना पैसा डिपॉजिट होगा, या उसमें इन्वेस्टर को डिपॉजिट कराना है या उसको प्रॉफिट हुआ है तो कोई और डिपॉजिट कराएगा। सो लेट्स कैलकुलेट द लॉस और द प्रॉफिट ऑफ द इन्वेस्टर। तो फर्स्ट डे उसने शेयर्स खरीदे हैं 100 एट प्राइस 50। नाउ सी द क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस मेंशन है, ये क्लोजिंग प्राइस ऑन डे 1, 2, 3। तो डे वन पे जो क्लोजिंग प्राइस है दैट इज़ 50.50, तो यानी 50 रुपये से बढ़कर इसका प्राइस जो है 50.50 हो गया, यानी कि 50 पैसे का उसको प्रॉफिट हो रहा है एक सिंगल शेयर पे। तो 100 शेयर पे टोटल प्रॉफिट उसको कितना हो गया, 50 रुपीज़ का। तो उसके अकाउंट में डे वन में 50 रुपीज़ डिपॉजिट हो जाएंगे। नाउ सी डे टू, डे टू में उसकी ट्रांजेक्शन्स हैं दैट ही हैज़ बॉट अनदर 200 एट ₹52, यानी उसने 52 रुपीज़ पे 100 शेयर्स और ख़रीद लिए हैं, 200 शेयर्स और ख़रीद लिए हैं। नाउ अगेन वी हैव टू सी वॉट इज़ द क्लोजिंग प्राइस। तो सेकेंड डे में क्लोजिंग प्राइस है 51.50, यानी कि 50 पैसे का उसको लॉस हो गया है, 52 पे उसने परचेज़ किए थे और आज जो क्लोज़ हो रही है मार्केट उसमें 51.5 रुपीज़ उस शेयर्स के प्राइसेस ड्रॉप हो गए।
तो पर शेयर 50 पैसे का लॉस है, तो 200 शेयर पे टोटल लॉस इज़ 100, 100 रुपीज़ का टोटल लॉस हो रहा है। ये करंट डे की ट्रेडिंग है, और पिछले डे में जो उसके शेयर्स हैं वो 100 शेयर्स हैं उसके पास, क्लोजिंग हुई थी उनकी 50.50 पे, और आज जो है उसकी क्लोजिंग हो रही है 51.50 पे। तो यानी कि इन प्रीवियस शेयर्स पे उसको 1 रुपी का प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट मीन्स 100 रुपीज़, 100 शेयर्स थे तो 100 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 0। 100 का प्रॉफिट है और 100 का ही लॉस है, तो ना ही उसके अकाउंट में कोई डिपॉजिट होगा मनी, ना ही उसे कोई डिपॉजिट करना है। लेट्स सी डे 3। डे 3 में ट्रांजेक्शन्स हैं दैट 200 शेयर्स आर सोल्ड एट ₹53। तो 53 रुपीज़ पे 200 शेयर्स जो हैं सेल हो गए हैं, आज सेल कर दिए हैं उसने। तो आप देखिए कि इस डे की क्लोजिंग प्राइस क्या है, थर्ड डे की क्लोजिंग प्राइस है 54। तो यानी कि उसने 1 रुपये सस्ता बेच दिया है, तो 1 रुपये यानी कि उसको लॉस हो गया 200 रुपीज़ का। पुराने शेयर्स हम देखेंगे, पुराने शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 200 प्लस 100, 300 शेयर्स हैं। 300 शेयर्स का क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे यानी कि डे 2 में प्रीवियस डे पे 51.50 वॉज द क्लोजिंग प्राइस, डे 3 में क्लोजिंग प्राइस है 54। तो करीबन ₹2.5 का यहाँ पर उसको फ़ायदा हो रहा है 300 शेयर्स पे, तो टोटल फ़ायदा उसको हो गया अराउंड 750। तो 750 रुपीज़ का प्रॉफिट है और 200 रुपीज़ का लॉस है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया उसको 550 का, तो उसके अकाउंट में 550 रुपीज़ डिपॉज़िट हो जाएंगे। अब उसने जो है ये 300 में से ये 200 शेयर्स तो सेल कर दिए, अब उसके पास जो बचा है डे 3 में ओनली 100 शेयर्स आर लेफ्ट। नाउ सी डे 4। डे 4 में जो ट्रांजेक्शन्स हैं दैट इज़ 100 शेयर्स उसने सेल किए हैं डे 4 में, 100 शेयर्स सेल कर दिए एट द रेट 53.50। इस रेट पे उसने सेल किए हैं और इस डे का क्लोजिंग प्राइस है 54, 54 पे क्लोज हो रहा है, तो यानी कि 50 पैसा जो है उसने ज़्यादा सस्ते सेल किए हैं, तो 50 पैसे का लॉस हो रहा है पर शेयर, तो यानी कि टोटल लॉस हो गया उसको -50। और प्रीवियस डे की ट्रेडिंग में उसके पास कितने शेयर्स हैं, कोई शेयर्स नहीं है क्योंकि 100 थे वो 100 उसने 100 शेयर्स थे उसके पास डे 3 में, उसके पास 100 शेयर्स बचे हुए हैं। तो ये 100 शेयर्स को आप देखिए कि उसने क्या किया है, ये क्लोजिंग हुई थी हमारी थर्ड डे पे 54 की, और आज की क्लोजिंग का प्राइस क्या है, 54 ही है, तो यानी कि इसमें कोई उसको प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, तो ये तो ज़ीरो ही हो गया, तो 50 रुपीज़ का लॉस है। और अब शेयर्स कितने हैं उसके पास, निल, बिकॉज ऑल शेयर्स आर नाउ सोल्ड। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ का लॉस है और इधर 50 रुपीज़ का प्रॉफिट है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ 550 है, तो टोटल 4 डेज़ का अगर हम उसका टोटल प्रॉफिट या लॉस देखेंगे तो 550 रुपीज़ का उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो ये 4 डे की ट्रेडिंग दिखाई हुई है कि किस तरह से डेली ट्रेडिंग सेटलमेंट होती है। तो अगर तो मार्क टू मार्जिन क्या है कि जैसे जहाँ भी लॉस हो रहा है, जैसे ये लॉस है तो उतने अमाउंट से जो है आपको अपना मार्जिन अकाउंट जो है अपडेट करना है, उतने ही उसमें डिपॉजिट करने हैं पैसे, और अगर कम हो प्रॉफिट हो जाता है तो ऐड ऑन हो जाते हैं। जैसे ये प्रॉफिट है तो इसमें से नेक्स्ट डे ज़रूरी नहीं है कि एडिशनल आप इसको पे करेंगे, ये रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। जैसे यहाँ 50 ऑलरेडी थे, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ 550, तो यानी कि ये 600 हो गया था, अब 50 का लॉस हुआ तो -50 हो जाएंगे इसमें से, और आपके पास 550 अकाउंट में रह जाएंगे। मिनिमम मार्जिन आपको मेंटेन करके रखना है, और जब भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं तो वार और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन आपको डिपॉजिट कराना है। फिर जो है आपकी डेली सेटलमेंट होती रहती है, जैसे ही ये मार्जिन कम हो जाएगा, अमाउंट नीचे आ जाएगा, तो
तो आपको एक्स्ट्रा मनी इसमें डिपॉजिट कराना पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट्स अगर कम हो रहे हैं, लॉस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा टू बैलेंस आउट. सो दैट इज़ हाउ मार्जिन वर्क्स. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ मार्जिन्स, VAR, ELM एंड MTM मार्जिन्स. थैंक यू.